युवाओं की पहली पसंद युवा सामना। आज जमात इस्लामी हिंद की तरफ से माननीय जिलाधिकारी कार्यालय में एक मेमोरेंडम हमने अभी दिया है, और इस मेमोरेंडम में जो इस वक्त कोविड से हमारे पूरे देश को और विशेषकर महाराष्ट्र को जो चैलेंजेस अभी उसके सामने हैं, और ख़ास करके जो थर्ड वेव आ रही है उसके तैयारी के लिए अभी से हम अलर्ट हो जाएं, इस तरह का एक मेमोरेंडम सरकार को हमने दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर साहब के मार्फत। और इसमें जो हमारी प्रमुख मांगनी है उसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो जिस तरह से जनता की लूट कर रहे हैं, तो हमने पहली डिमांड ये रखी है कि हमारी जो शासकीय जो वैद्यकीय व्यवस्था है, आरोग्य व्यवस्था है, इसको सुधारना चाहिए। ये शहर की भी व्यवस्था हो या ग्रामीण की व्यवस्था हो, तो हमारे अगर ये व्यवस्था अगर सुधरेगी तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जो मजबूर है आज जाने के लिए, और जिनसे 3-3 लाख और 4-4 लाख का बिल लिया जाता है, इस पर हम कंट्रोल कर सकेंगे। और शासन को भी इस पर व्यवस्था करना चाहिए कि वो इस तरह से जो लूट हो रही है प्राइवेट लोगों की, और जो लोग आज परेशान हैं गरीब, तो वो परेशानी उनकी दूर हो। दूसरी बात यह है कि जो ये अभी आने वाला जो एक मामला, लोग कह रहे हैं कि थर्ड वेव अभी आएगी और इसमें खास करके जो बच्चों को जो कुछ तकलीफ़ हो सकती है, तो सरकार उसके लिए अभी से पूर्व तैयारी करे। इसमें खास करके बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड्स की व्यवस्था हो, चिल्ड्रन के जो स्पेशलिस्ट हैं वो लोग आए, ऑक्सीजन और जो सारी जो तैयारी है वो तैयारी सरकार अभी से इस पर करे। इसी तरीके से जो वैक्सीनेशन जो इस वक्त हो रहा है इसकी स्पीड बहुत स्लो है, कि वैक्सीनेशन की स्पीड भी बढ़ाई जाए और वो लोग जो अभी तक के इससे महरूम है उन तक के भी वैक्सीनेशन मिले, उनको किसी तरह की भी अड़चन इस सिलसिले में नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से 108 एम्बुलेंस जो है, तो ये एम्बुलेंस की व्यवस्था को और मजबूत किया जाए और इसको भी बहुत ही कम दामों के ऊपर मिनिमम रेट्स के अंदर सरकार इसको प्रोवाइड करे। इसी तरीके से महात्मा फुले जीवनदायी योजना जो है, तो इसमें खास करके जो कोविड के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी छूट मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ जो ब्लैक फंगस जो भी आ रहा है, म्यूकस का जो फंगस आ रहा है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो जीवनदायी योजना के अंदर इसको भी इंक्लूड करना चाहिए। इसी तरीके से हम सरकार से ये भी चाहेंगे कि हमारे जो आरोग्य विभाग के जो दवाखाने हैं, रुग्णालय हैं शासकीय, उनके ऑडिटिंग हो, ताकि नासिक में जैसी दुर्घटना हुई थी ऐसी दुर्घटना न हो सके। इस तरह के और बहुत सारे सुझाव हमने दिए हैं। उसके साथ ही हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष रिजवानुर रहमान साहब, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी और कलेक्टर साहब और जो दूसरे जो हमारे मंत्रीगण हैं, विशेषकर आरोग्य मंत्री और सभी जिलाधिकारी और जो प्रशासकीय और डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, वैद्यकीय अधिकारी, हमारे कोविड योद्धा हैं, NGOs हैं, उन सबका अभिनंदन भी किया है कि सब लोगों की मेहनत से, और हमने जो एक खास टास्क इस तरह से किया कि महाराष्ट्र में आज हम कोरोना पर बड़ी हद तक के हम उसको कंट्रोल में लाने में कामयाब हो सके। खास करके मैं अपनी तरफ से हमारे माननीय जिलाधिकारी सुनील चौहान साहब का भी मैं विशेष तौर पर अभिनंदन करना चाहूँगा कि आज औरंगाबाद में आज की डेट में सिर्फ 180 और 190 के करीब पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, और कई अभी जो मालूम हुआ है कि हमारे पास में बेड्स वगैरह सारे चीज़ें अवेलेबल है। तो इस तरह से हम सब मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो हम ये समझते हैं कि कोविड पर हम कंट्रोल कर सकेंगे। इसके साथ ही हमने ये भी ऑफर दिया था कि जब भी सरकार को ज़रूरत हो, जमात इस्लामी उसका पूरा संगठन उनके साथ है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आगे चलकर भी कभी भी ज़रूरत पड़ती है, तो अगर हॉस्पिटल्स की ज़रूरत हो या ऑक्सीजन सेंटर्स की ज़रूरत हो या और भी तरह का जो भी मदद हो, ये मदद जमात अपने तरफ से करने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ एक और अहम बात आपको जो हमारी डिमांड के अंदर हमने इससे पहले की थी कि आज से राशन के दुकानों के ऊपर लोगों को अनाज मिलना चालू हो गया है, और उसमें जो फ्री जो धान्य है राशन का वो भी मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी डिमांड रही है ये, और हमने कलेक्टर साहब को इससे पहले भी मेमोरेंडम दिया था कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उसमें से प्रति व्यक्ति 5 किलो ये जो है तो गेहूँ चावल ये मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री की जो योजना है उसके अंदर भी। तो ये हम डिमांड एक बार फिर से करते हैं कि राशन कार्ड वालों को तो फ्री में मिल रहा है, लेकिन अभी जो ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है और जो राशन कार्ड जिनके पास नहीं है उनको सिर्फ उनके आधार कार्ड के ऊपर ये जो है तो अनाज मिलना चाहिए। इसी तरीके से हमारी एक और एक डिमांड है वो कि जो शिवभोज की जो थालियाँ हैं वो औरंगाबाद में बहुत कम है, और एक जो पूरा एक ग्रीन बेल्ट है यहाँ पर थाली नहीं मिलती, इसके लिए भी हमने एक प्रपोजल दिया है। हमारा प्रपोजल पेंडिंग है, उस पर अभी सर्वे भी हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी से वो प्रपोजल भी फाइनल हो, ताकि शिवभोज के जरिए से हम जो गरीब लोग हैं उनको फ्री में खाना पहुँचा सकें। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसके लिए हम आज आए और हमने यहाँ पर मेमोरेंडम दिया है। बहुत धन्यवाद। आप मैं इंजीनियर वाजिद कादरी,
शहर अध्यक्ष जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद, मेरे साथ आबिदी साहब हैं, ये अध्यक्ष हैं जमात इस्लामी हिंद उत्तर विभाग के, काजी साहब हैं काजी फैजान साहब, ये अध्यक्ष हैं जमात इस्लामी हिंद सदर थाना के जावेद साहब, जावेद साहब SIO के जिम्मेदार हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्तार भाई हमारे जो नागरिक सुविधा केंद्र के जिम्मेदार हैं, और अब्दुल कादरी साहब हमारे मीडिया सेल के प्रमुख हैं।